हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैगजेस 200 कैप्सूल के बारे में। दोस्तों, मैगजेस 200 कैप्सूल के इस्तेमाल करने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, इस कैप्सूल के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं, मैगजेस 200 कैप्सूल के इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, मैगजेस 200 कैप्सूल की बात करें तो इसको मैकलोइड्स फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों, इसके प्राइस की बात करें तो 270 रुपये में ये 10 कैप्सूल का पूरा एक स्ट्रिप आता है। दोस्तों, इसका जो प्राइस है समय के हिसाब से इंक्रीज़ होता रहता है, इससे मुझे इसका प्राइस है बुधवार मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर प्रोजेस्ट्रॉन 200 mg इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इस कैप्सूल को जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, दोस्तों जो महिलाएँ काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही हैं, जो महिलाएं बांझपन की समस्या से परेशान हैं, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा इस मैगजेस 200 कैप्सूल को प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, यदि किसी महिला के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर के द्वारा इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, जिन महिलाओं को मासिक धर्म ना आने की समस्या रहती है तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। एबनॉर्मल यूट्रिन ब्लीडिंग में भी बहुत ज़्यादा डॉक्टर के द्वारा इसको दिया जाता है। दोस्तों, इसके जो सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर को दिया जाता है, जिन महिलाओं में बांझपन की समस्या है, हार्मोन इम्बैलेंस की समस्या है, तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसको ओरली लिया जाता है, वेजाइनल में इसका यूज़ किया जाता है, रेक्टल में इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इस कैप्सूल के इस्तेमाल करने से कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। सिर दर्द की समस्या हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, लूज़ मोशन हो सकते हैं, मतली हो सकती हैं। ये इसके कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट हैं जो इस्तेमाल करने से किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल करती हैं तो अपने डॉक्टर की देख रेख में ही करें, अननेसेसरी आप इस कैप्सूल का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, दवाई से भी छोटी मगर महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।